हाय एवरीवन एंड वेलकम टू डू कैप्टन। सो यार आज वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाले उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इस बार CUET के लिए अपियर होने वाली है। आपने टाइटल और थंबनेल देख ही लिया होगा। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ, जो पूरा महीना आपके पास जितना समय बचा है आपने फॉलो कर लिया तो बाकी स्टूडेंट्स से तो आपको एज मिल ही जाएगा। अब मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि ये वीडियो देखने के बाद ही आपको एज मिलेगा, कहानी तो सारी डिपेंड करेगी आप मेहनत कितनी कर रहे हो। पर यस, अगर इन कुछ बातों का आपने ध्यान रख लिया तो आप काफ़ी स्टूडेंट से तो आगे हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको देने वाला हूँ वो बस फालतू की ही बात है कि बच्चे पानी अच्छे से पीना, आपको 8 घंटे की नींद लेनी है, सब फालतू बात है। ठीक है, लिटरली आज आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा जो आपका स्कोर इंप्रूव करेगी। ऑल दो ये वाली वीडियो वो सभी स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए अपियर होने वाले हैं, बट मैंने खास ख्याल जो रखा है वो CUET स्टूडेंट्स के लिए रखा है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है जब आप मॉक टेस्ट देंगे या फिर जब आप अपने सेंटर के अंदर एंटर होंगे, आप अपनी सीट के ऊपर बैठेंगे या जब आप मॉक देने बैठते हैं आप अपनी सीट के ऊपर बैठते हैं, ये दोनों ही सिचुएशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अभी से ब्रेन को ट्रेन करते हुए चलना क्योंकि एंड डे के अंदर कोई चमत्कार नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। जब आप मॉक टेस्ट देंगे या फिर आप अपना एक्चुअल एग्जाम जब देंगे तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जब देखेंगे तो स्टार्टिंग में आपको इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए मिलेंगे, राइट। उन इंस्ट्रक्शंस को आपको ध्यान से पढ़ना है। अब ध्यान से पढ़ने का मेरा मतलब ये नहीं कि आप कुछ गड़बड़ कर दोगे, वो तो आप मॉक टेस्ट से ट्रेन होके जाओगे। मेरा यहाँ पे तात्पर्य ये है बच्चे कि जब आप उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ोगे तो आपका जो ब्रेन है वो एक्टिवेट हो जाएगा, आपका ब्रेन रीड करके समझने वाले जो एक स्टेट होता है उसके अंदर आ जाएगा। एल्स होगा क्या, आपका टाइमर अगर शुरू हो गया और आपने आपके ब्रेन को फिर झटके लगने शुरू होंगे तो वो थोड़ा सा गर्म होने में, जैसे मशीन जब स्टार्ट होती है तो गर्म होने में थोड़ा सा समय लगाती है, तो हमें जो हमारा टाइमर है स्टार्ट होने से पहले अपने ब्रेन को कर लेना है गर्म। गर्म से मेरा मतलब है जब आप रीड आउट करोगे उसको समझने की कोशिश करना, आपका ब्रेन जो है उस स्टेट के अंदर आ जाएगा कि आपका ब्रेन अब पढ़ के चीज़ों को समझने के लिए जो टाइम उसको रिक्वायर होता है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। एल्स आपके स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। ये बहुत बारीक बात है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और ये टॉपर्स की स्ट्रैटेजी है। दूसरा पॉइंट है आपका मार्क फॉर रिव्यू। देखो यार ये बहुत छोटी सी बात आपको देखने को मिलेगी, ये मार्क फॉर रिव्यू ही तो करना है क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपको हल्का सा भी डाउट लगता है जिस क्वेश्चन में, या वो क्वेश्चन जो कि आपको लगता है कि आप आगे कर सकते हैं, उनको मार्क फॉर रिव्यू करना सीखो अभी से ही। मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो आप कभी भी किसी टॉपर से बात करने की कोशिश करना, वो आपको कभी भी ये नहीं कहेगा कि उसका पेपर एक ही गो के अंदर हुआ है, ऐसा नहीं होता है। पेपर हमेशा 3 राउंड के अंदर आपको अटेम्प्ट करना होता है, तो आज आप सीख लो कि पेपर एक्चुअल में अटेम्प्ट कैसे किया जाता है। पहला राउंड आपका वो होता है जिसके अंदर आप सीधे सीधे वो क्वेश्चन करते हो जो क्वेश्चन किसी का बाप नहीं रोक सकता आपको उसमें पूरे मार्क्स जो है लाने के लिए। बिल्कुल श्योरिटी वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो पहले राउंड के अंदर करते हो, और जब आप पहले राउंड के अंदर पूरे क्वेश्चंस गो थ्रू कर जाते हो तो पहले राउंड में ही आपको क्लैरिटी, बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाती है कि आपको आगे कितने और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। क्यों? क्योंकि आप उसी राउंड के अंदर मार्क फॉर रिव्यू करोगे। और देखो यार कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं जिसको हमें हाथ जोड़कर करना होता है नमस्ते, वो क्वेश्चंस बनते ही नहीं है उस मोमेंट पे सॉल्व करने के लिए, वो टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आप जो है तीसरे राउंड के लिए रखोगे। तो 3 राउंड कौन से हो गए, पहले वो जो सबसे आपके टिप्स पे क्वेश्चन है जो बहुत बार आपने प्रैक्टिस किए, दूसरे वो जिसमें आपको लगता है कि आप उसको कर सकते हो, थोड़े से टाइम जरूर लग रहा पर आप उसको कर सकते हो और आपने मार्क फॉर रिव्यू कर रखा है, और तीसरे अगर आपके पास टाइम बच गया तीसरे राउंड के अंदर तो आप उन क्वेश्चंस को देखोगे जो कि आपके सोच से थोड़े से परे थे पर अगर आप थोड़ा बैठ गए तो होने के थोड़े से चांसेस है, राइट। ये थी दूसरी टिप। तीसरी टिप है आपके लिमिटेड रिसोर्सेज। देखो यार अभी आपके जो जितनी भी तैयारी का टाइम है आपके पास, इस दौरान जितना आप अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखोगे उतने ज्यादा चांसेस है खुद पे भरोसा आने का। और लिटरली मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एंट्रेंस जो आपका टेस्ट होता है ये गेम ही आपका भरोसे का होता है। आपको खुद पे भरोसा आ गया, सब कर दोगे आप, ठीक है। तो जितना लिमिटेड रिसोर्स रखोगे, और मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, 10 किताबें लगा के कभी भी एंट्रेंस क्लियर नहीं होता, 1 किताब को 10 बार लगा के आपका एंट्रेंस जो है वो क्लियर होता है। तो आपका जो स्टडी मटेरियल है अपने टेबल पे 10-10, 20-20 किताबें नहीं रखनी है, लिमिटेड रिसोर्सेज रखने हैं कि हाँ मुझे पूरा जो महीना है इन्हीं कंटेंट को, इसी कोर्स को भरोसा रख के बहुत अच्छे से देखना है। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या आप किसी कोर्स के अंदर एनरोल होना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं हमारा प्रीमियम कोर्स है जो कि लाइव हो चुका है, आप डिस्क्रिप्शन से उसका नंबर ले सकते हैं, हमारी टीम का
नंबर ले सकते हैं या फिर आपकी स्क्रीन पे भी नंबर आ रहा होगा और बैच रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। और एक मजे की बात मैं आपको बता दूं, अगर आप सेल्फ स्टडी में बिलीव करते हैं और अगर आप हमारा बुक सेट और मॉक टेस्ट का एक कॉम्बो परचेज करना चाहते हैं तो अगेन आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है, आप व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं, उसकी भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। या फिर अगर आप सिर्फ और सिर्फ हमारे मॉक टेस्ट के अंदर, हमारी मॉक टेस्ट की जो सीरीज है उसके अंदर आप एनरोल होना चाहते हैं तो उसके अंदर भी एनरोल हो सकते हैं। यहां आपको टॉपिक वाइज मतलब हर एक चैप्टर वाइज भी मॉक टेस्ट मिल जाते हैं और फुल लेंथ वाइज डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के भी मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। अब चलते हैं आगे। अब देखो यार, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मॉक टेस्ट आप जब देते हो, मॉक टेस्ट अगर आपने परचेज कर रखा है बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो कर लो, यहाँ नहीं करना कहीं और कर लो, बट जो कर जरूर लेना क्योंकि वो सीट पर बैठ के अगेन मैं कह रहा हूँ चमत्कार नहीं होगा। तो मॉक टेस्ट बच्चे क्या करते हैं, मॉक टेस्ट दे दिया उसको एनालाइज करते ही नहीं है। सबसे बड़ी गलती करोगे अगर एनालाइज नहीं करोगे, आप जितना टाइम एनालाइज करने, जितना टाइम आप मॉक देने में लगा रहे हो उतना ही टाइम आपका एनालाइज करने में लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से निकलेंगे क्वेश्चंस जहां हो रही है आपकी सिली मिस्टेक्स, और वो क्वेश्चंस जो जिन क्वेश्चन के अंदर आपको देख के लग रहा है कि तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। तो आप जब मॉक टेस्ट दोगे डेली, मॉक टेस्ट देने के बाद आपको बैठ के ये देखना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आता और उस कॉन्सेप्ट को उसी दिन लेना है सीख। कम टाइम के अंदर मैक्सिमम कोर्स कंप्लीट करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूं ये। अब देखो यहीं से मेरी नेक्स्ट टिप भी निकल के आती है, वो क्वेश्चन जो कि उस मॉक टेस्ट में से आपके निकलेंगे आपको बनानी है एक एरर नोटबुक। यस, मेरी लास्ट टिप है आपकी, आपको बनानी है एक एरर नोटबुक। मैं काफी वीडियोस के अंदर भी आपके साथ शेयर कर चुका हूं अगली बार। एरर नोटबुक के अंदर क्या करोगे, आप उन क्वेश्चंस को लिखना शुरू करोगे जिनके अंदर या तो आपने सिली मिस्टेक्स की है या फिर आपको टाइम बहुत ज्यादा लग गया या फिर आपकी सोच के ही परे थे, उन क्वेश्चंस को आप लिखते रहना और सुबह शाम डेली गर्म पानी के साथ उन क्वेश्चन को देखना आपको बैठ के, ठीक है। उसके बाद देखो जाते जाते एक बड़ा भाई होने के नाते एक छोटी सी टिप जो है आपको दे रहा हूं यार, खुद को ना कंपेयर करना छोड़ देना। मेरे पास इन दिनों भी बहुत ज़्यादा कॉल्स आती है, सर मेरे फ्रेंड का तो इतना सिलेबस हो गया, मेरा इतना नहीं हुआ, कैसे होगा। यार देखो, तुम्हारी लड़ाई खुद से है, तुम्हारा जो आज है वो तुम्हारे बीते हुए कल से बेहतर होना चाहिए। अगर ये चीज़ तुम फॉलो कर रहे हो, यकीन मानो कोई नहीं रोक सकता तुम्हें एंट्रेंस क्लियर करने से। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मैंने बहुत दिल से बहुत बारीक बारीक टिप्स जो है आपके साथ शेयर कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताने वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रही है नहीं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है।